क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया बताएं। सॉरी शालिन भाई, इधर आइए ना, शैडो शैडो में आते हैं। आई लव योर ग्लेज। बस बस जी, लाइट लाइट मैंने देखी नहीं, चेक करी लाइट? हाँ नहीं नहीं अच्छी है। स्पीकर वो लगा दिया, स्पीकर लगा दिया उसका। अभी आपसे बात कर रहे हैं वो आते हैं। हाँ आप बता दो जो बोले। डन। और वो फ्रिज बड़ा करना था। फ्रिज बड़ा था। हाँ वो बता दिया। तो लाइट लग गई ना? लाइट तो लगा दी। वेरी नाइस, मैं देखता हूँ। शाबाश, थैंक यू। तो शालिन, टेल द टाइम हाउ द शो इज गोइंग ऑन, कैसा सब चल रहा है बेकाबू के सेट पे, और क्या कुछ माहौल है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। एक्चुअली एंजॉय नहीं कर रहे बिल्कुल भी, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। 18 तारीख बस आने ही वाला है, तो हर रोज ऐसे एक एक दिन बीत रहा है, तो मेरे ऐसे 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 ऐसा ऐसा हो रहा है जैसे कि वो वीकेंड के वार में होता था ना, जब आप नॉमिनेट होते थे, तो वैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीकेंड का वार जो आएगा वो मतलब ऐसा, ये भी वीकेंड है ना। सो बट आई एम रियली एक्साइटेड यार, आई एम रियली हैप्पी। एंड आई होप कि जैसा हम जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितनी शिद्दत से कर रहे हैं काम, वैसा लोगों को दिखे और लोगों को पसंद आए। शालिन, वीकेंड के वार की बात से एक सिंगल आ जाओ, जाओ जाना है। वीकेंड की वार से ज्यादा बिग बॉस के घर में बाकी के जितने लोग थे, बाकी धीरे धीरे सारे लोग कुछ ना कुछ कहीं देखे जा रहे हैं। टीना दत्ता का एक नया शो आने वाला है सोनी टीवी पे, कल ही उनका टीजर लॉन्च हुआ, क्या देखने के बाद क्या कुछ रिएक्शन? मेरा नया शो आ रहा है जिसका नाम है बेकाबू। मैं फुल कॉन्सेंट्रेशन उस पर है और कैमरा लुक सिर्फ बेकाबू होना है, बेकाबू के लिए। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड मैं उस बारे में कहना चाहूँगा कि दर्शकों को बहुत मजा आएगा वो देखने में, है ना? ऑलराइट। हाँ चलिए, इसीलिए आपसे पूछा मैंने कि आपके तरफ से क्या कुछ रिस्पांस है। हाँ बहुत अच्छा रिस्पांस है यार, लोगों को इतना पसंद आ रहा है बेकाबू का ट्रेलर, और इतना मज़ा आ रहा है, और इतनी खुशी हो रही है लोगों को, और मेरा लुक भी बड़ा पसंद आ रहा है। आपको पसंद आया? बहुत पसंद है, काफ़ी अमेजिंग लुक लिया हुआ है। टैटू आपका भी उससे मैं बहुत इंस्पायर, मैं जल्दी कराने भी वाला हूँ ऐसा एक। चलो आप भी करवाना, मैं भी करवाऊंगा, अपन लोग ऐसे दोनों एक फोटो खींचेंगे साथ में, फॉर श्योर। शो की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं, अगर आप कुछ हमें एज एक्सक्लूसिव बताना चाहें क्या कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं आपको एक राज बता रहा हूँ, तुम लोग को सुनो, मुझे मना है, चैनल से भी मना है, सब लोग को बिल्कुल बताना नहीं है। 18 तारीख को जो बेकाबू आ रहा है, ठीक है, एपिसोड के बारे में बता रहा हूँ, वो एपिसोड बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन नहीं, जोक्स अपार्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल शो यार, बहुत मजा आएगा। और आप लोगों को जो प्रोमो में दिख रहा है, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ जो एक्चुअली मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक, कि आपको तो मेरा कैरेक्टर का नाम रानव है, है ना? और रानव आपने देखा वो टैटू वाला है, लेकिन 18 तारीख को दर्शकों को कोई और रानव दिखेगा। ये एक राज की बात है जिसमें टैटू भी नहीं होगा और वो कुछ और होगा, और वो बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा होगा जैसा आपने देखा है प्रोमो में। तो ये एक सीक्रेट है जो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मैं मूड बड़ा अच्छा है मेरा, तो मैंने बोला थोड़ा सा तो गॉसिप ऐसा दे दिया जाए आप लोगों को। तो आपको ऐसा रानव मिलेगा जिसमें ना टैटू होगा, ना वो वैसा दिखता होगा, और कुछ अलग दिखूंगा मैं। और शालिन, ये तो बात रही हमारे बेकाबू की और आपके बारे में, बाकी और जैसे जैसे शो का प्लॉट अभी आगे बढ़ता जाएगा और भी काफ़ी चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब से इट हैज़ केम इन द टाउन, इट्स द थिंग ऑफ बज़, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। यार मैं सच में बताऊँ, मैं ऑनेस्टली मुझे इतना, मैं आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट इट, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस, क्योंकि जो लोग मतलब मुझे खुद, मैं बता रहा हूँ, 12 तारीख को मैं बिग बॉस के घर से बाहर निकला और 14th को हमने वो प्रोमो शूट किया जो आप लोगों ने देखा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जितनी ओवरवेलमिंग और जितना मुझे, जितना अप्रिसिएशन इस प्रोमो को मिल रहा है, जो लुक को मिल रहा है, जो रानव को मिल रहा है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ज़्यादा नर्वस हूँ मैं, वो इतना रिएक्शन अच्छा देख कर ना मैं और ज़्यादा नर्वस हो गया कि अब भगवान करे मैं उनकी इज्जत पे खरा उतरूँ, चैनल की इज्जत पे, बालाजी ने जो इज्जत दी है मेरे को उस पर मैं खरा उतरूँ एंड लोगों को मैं पसंद आऊँ, मेरी बस यही इच्छा है। और अब कास्ट के साथ बाकी की जो शूटिंग चल रही है आपके साथ, निशा सिंह, उन लोगों के साथ कैसी बॉन्डिंग हो रही है अभी, क्योंकि इट्स ओनली अ स्टार्ट, तो एक वो होता है ना स्टार्टिंग में क्या कुछ फील है, उनका मज़ा आ रहा है या फिर? यार बहुत मज़ा आ रहा है, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे जब पता चला था कि ईशा है शो में, तो मैं क्या, आप यूजुअली अपने ऐसे करते हैं ना, जो आप जानते नहीं हो किसी को, तो आप यू नो आप जस्ट फोटो देखते हो उनकी, अच्छे कैसे दिखते हैं ना, तो आप गूगल कर लेते हो उनको। तो मैंने ऐसे गूगल किया था, मैंने बड़े सीरियस सी हैं, बड़ी मतलब संजीदा टाइप की दिख रही हैं, है ना, तो मैंने लगा चलो नहीं सीरियस काम करेंगे, अच्छा है मतलब। पर जब हम लोग मिले, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहला दिन प्रोमो का, पहली बार हम लोग मिले पहले 10 मिनट में, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर, क्योंकि वो इतनी स्वीट है, इतनी अच्छी हैं, तो वी सडनली इट जस्ट क्लिक्ड आर, मतलब हमारा जो हम साथ में थे और हमें भाग के आना था, है ना, जैसा प्रोमो में आपने देखा, तो अभी स्टार्टेड लाफिंग, है ना, एक बार फंबल भी हो गया ऐसे थोड़ा सा,
हम भिड़ने भी वाले थे, हमारा चेहरा भी टकराने वाला था, तो पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, बट सडनली यू नो फ्रॉम अ वेरी फॉर्मल दिस थिंग वी बिकेम वेरी इनफॉर्मल विच इज़ नाइस, आई लाइक दैट. एट द सेम टाइम बहुत कमाल की कलाकार हैं वो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, एंड शी इज़ वेरी नॉलेजेबल एज एन एक्टर, तो गिव एंड टेक बहुत अच्छा है. सो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा इट्स वेरी नाइस टू वर्क विद हर, शी मेक्स मी वेरी कम्फर्टेबल विच इज़ वेरी नाइस. शालीन हम जितना आपको जानते हैं, यू आर अ मैन ऑफ लेडीज. आई एम नॉट अ मैन ऑफ लेडीज, आई एम मैन ऑफ अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट. आई गिव रिस्पेक्ट एंड आई इन रिटर्न आई थिंक जो जिसको आप लव बोलते हो, जिसको अफेक्शन बोलते हो, दैट इज द रिस्पेक्ट दैट आई गेट. इट इज़ नथिंग एल्स. आई गिव रिस्पेक्ट एंड आई टेक रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम गर्ल बॉय, फ्रॉम यू ऑल्सो. आई थिंक आई गेट दैट लव फ्रॉम एवरीबडी. लास्टली शालीन, अपने फैंस के लिए अपना कुछ मैसेज आप बताना चाहें, और आपसे शो से जुड़े रहे जो इतना प्यार देते हैं आपको, बिग बॉस से लेकर बेकाबू तक और आगे भी. मैं बस ये बोलना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को कि प्लीज़ 18 तारीख को रात में 9 बजे कलर्स चैनल पे मेरा नया शो आ रहा है जिसका नाम है बेकाबू. आप लोगों ने इतना उसका ट्रेलर पसंद किया है, इतना आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरा लुक को पसंद कर रहे हैं, प्लीज़ जाके देखिएगा. बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से हम लोगों ने, हम लोग हर रोज़ जो एक एक दिन बिता रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं उस शो में. इस शो में बहुत यूनिक शो, आपको मज़ा आएगा. एंड मैं आप लोगों से टू वे कॉन्वर्सेशन चाहता हूँ. अभी क्या है, वन वे हो रहा है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ. सो 18th और 19th को जब आप ये शो देखेंगे सैटरडे संडे को रात में 9 बजे कलर्स में, उसके बाद में मैं आप लोगों के पोर्टल्स में जाऊँगा, कमेंट सेक्शन में जाऊँगा, और मैं पता करूँगा कि आप लोगों ने क्या बोला है. मुझे कमेंट करें, मैं भी कुछ कुछ पोस्ट करूंगा यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, जिस जिस पोर्टल में आप लोग देख रहे हैं, मैं सब तरफ जाऊंगा और सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा. मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत शिद्दत से ऐसा काम करता हूँ, है ना. मैं रात में सोता नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती, तो मैं रात में यही कर रहा होता हूँ. और फिर मैं आप लोग बताऊँगा क्या क्या मैसेजेस मैंने पढ़े हैं, क्या क्या कमेंट्स. सो प्लीज़ वॉच इट, लाइक इट, लव इट, हेट इट, व्हाटएवर, बट टेल मी हाउ कैसा लगा आप लोगों को, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच. डन. आजकल क्या नाटो नाटो बड़ा चल रहा है यार. मैं ऑस्कर जीत गया. ऑस्कर जीत गया यार, क्या बात है यार. मैं बड़ा खुश हूँ यार. आई एम रियली हैप्पी. इट्स सच अ प्राउड फीलिंग. मुझे इतना अच्छा लगता है, पता है ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग. हाँ, द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग यार. मतलब हमारे देश को यार ऑस्कर, मतलब इट इज, आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन, पता है. मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम ऑफ RRR कि आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन आफ्टर यू नो द ऑस्कर्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस ऑस्कर अवार्ड में हमारा भी कुछ हिस्सा है, क्योंकि हमने भी उस पर बहुत डांस किया और बहुत नाटो नाटो किया है. सो आई एम रियली हैप्पी, रियली एक्साइटेड, एंड वाओ, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम द सेम कंट्री वेयर RRR हैज यू नो RRR इज मेड. सो या बनमोर शॉर्ट फिल्म हैज आल्सो बीन मैम की. हाँ, द विस्परिंग, द क्या है वो, द विस्परिंग डायरीज और समथिंग. द विस्परिंग डायरीज कौन सा है? एक से दिखाओ, फोन दिखाओ. मेरा फोन कहाँ है? हाँ, ना कितना टाइम है? कार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अभी तो ब्रेक हुआ है, ब्रेक ओवर होता है. अच्छा, अभी बारिश वाले कर रहे हैं ना, पहले ये दिन में. गुनीता जी का ना, हाँ, यू माइट बी नोइंग आल्सो हर. हाँ, काफ़ी अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जिसकी वजह से ऑस्कर. गुनीत मैम ना? या अरे यार, शी इज अमेजिंग, शी इज अमेजिंग. मुझे ये देखना है, मैंने देखा नहीं अभी तक, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. शी इज एन अमेजिंग लेडी एंड एन अमेजिंग प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस शॉर्ट फिल्म ऑल्सो. वाओ, आज का दिन ना हिंदुस्तान के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत प्राउड वाला है. जस्ट हैव दैट प्राइड. हमारे देश की मूवी, हमारे देश के, देश का काम जा रहा है, हमारा देश का गाना है. सो इट्स लाइक दैट. शाली, नाटो नाटो पे अगर आपकी तरफ से स्टेप हो जाए. हाँ, नाटो, अरे नाटो नाटो पे स्टेप करना है. विल प्ले फॉर यू. तू बजा ही रहा. ऐसे थे ना. चलो, थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू शाली. लव यू गाइस. बाय बाय.